जब खाना खाती हूँ भगवान का याद रखे करो, अपने अपने इष्ट देव का, और अपने खराब को मुंह शेयर न किया करो, एक उसका सहारा पकड़ के चुपके से खाना खाया करो, वो तुम्हारी सेहत को बनाएगा। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा आप लोगों को, ये मेरे तजर्बे की जिक्र, अपने जिंदगी के तजर्बे हैं, अपने घर के और दूसरे। मेरे मकान के साथ एक दूसरा मकान था, उसमें एक मिस्टर तलवार प्रोफेसर थे WM में, उनकी वाइफ बी ए थी, वो आई। उस तलवार को अधरंग हुआ हुआ था, चल फिर नहीं सकता था, तो उसकी वाइफ मेरे और उसके पास आकर कैसी होगी कि बाबा जी कहो कोई इलाज करा दे। तो जब मैंने रोटी खाने लगना, बस और उसका यही काम होता है, वो मैं कहूँ आखिया वो फिर आई बीमार रह दिया, उसका खत्म बीमार है, कुछ भी दवा से कर दे, मैं कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरे बहुत गल पड़ी, मैंने कहा भगवान तुम कहो मैं सवेरे समाधि उठा तो मेरे पास आ गए, सिफारिश की कोई नहीं। वो सुबह मेरे पास आई, पढ़ी लिखी थी, मैंने उसको ये समझाया कि बीमार पड़ा हुआ है, कभी ये मत सोचो ये मर जाएगा तो मैं पीछे से क्या करूँगी, ये बच जाएगा। जब खाना बनाती हो भगवान का स्मरण करके बनाया करो, दवाई बनाती हो भगवान का स्मरण करके बनाया करो, और हमेशा ये यकीन रखो ये अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा हो गया। ये मेरी जिंदगी के तजर्बे हैं। औरतों में बच्चा पैदा होता है, जो शख्स पहले उसको हाथ लगाता है कोई भी हो, उसकी हैबिट्स उसकी ख्याल उस बच्चे में जाते हैं। ये फिलॉसफी है, ये माया देश का कानून है, ये ख्याल की दुनिया है। मैं क्यों कहता हूँ मेरे तजर्बे हैं, मैं फिरोजपुर में रहता था, मेरे साथ एक मकान था, उसमें एक सरदार रहता था, गरीब थी, वो यूडी जी था, मैं भी दस्ते में यूडी था मेरे साथ, वो भी। उसकी औरत का क्या स्वभाव था, कई खत्म आया मेरे ढिड पीड़ होंगी है, मैं बुखार चले आया है, मैं तो हिल नहीं हूंगा। वो बेचारा आता, आप आटा गूंथता रोटी पकाता उसको भी खिलाता आप भी खाते। जब वो चला जाता पीछे से खूब कड़ा बनता, खीर बनती पूरियां बनती, खूब खाता था, खाती थी। तो मैं एक दिन उसके एक लड़का था बड़ा खूबसूरत, अभी उसमें प्यार कर देती चार पांच महीने का थी। तो एक दिन मैं अपने मकान में अपने कमरे में बैठा हुआ, एक मूर्ख जन था उसका डिप्टी कमिश्नर का, क्या उसका नाम बोलते हैं रीजन, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मूर्ख जन एक बात कहूँ, यानी कि हाँ, मैंने कहा मेरा इल्म कहता है इसका लड़का मर जाएगा, ये मेरा इल्म था। वो क्या किसी की तरह कहते हो मैं, इसके घर का ये हाल है और उनको सजा मिलेगी, लड़का मर जाएगा। 10-15 दिन के बाद दिवाली आई, दिवाली के 4 दिन उसको निमोनिया हुआ, दिवाली का दिन वो मर गया। वो देखो तुम लोग सत्संग में आए हो, मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है, सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। इस वक्त जिस सच्चे ज्ञान की जरूरत है, मैं गुरु ऋण को उतारने के लिए वो बात तुमको कहता हूं। तुम्हारे गृहस्थ के जीवन को राम राम ने पार नहीं करना, यहां गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु शिव तुम्हारी मदद करेंगे। वो जो अगली मंजिल है वो और है। लड़का मर गया, तो जब वो चुप के ले जाने लगा, उसने जोर से ढाप मारी, मैं तो वहां था नहीं, मुंह चल था, उसने कहा बाबा जी ने कहा था लड़का ओह मेरे पास आया, मुझे पूछता है आपने कैसे कहा। मैंने कहा भाई ये ना पूछ, अच्छे नहीं, मैंने उसको उसकी औरत की सारी हिस्ट्री बता दी, इस वास्ते उसको सजा मिला। हुक्का लाए गई,
देखो तुम सत्संग में आए माइयो और आदमियों, मैं कीर्तन नहीं कराता, तुमको जीने का राज बताता है। अच्छा, उसके बाद उसकी लड़की हुई। जब लड़की हुई तो वो लड़की 21 दिन तक पैदा होने के बाद रोती रही, रोती रही। डॉक्टरों को बुलाए, हो गए ठीक है, रो गई हो गए। रात में कुंजा खड़खड़ा रहे हर वेले, मेरा नालदा मकान की थानी भी आवाज आवे नहीं आवे। तो उसकी औरत ने कहा बाबा जी के पास जाओ, इशारे वो कर दो। तो दिलीप सिंह मेरे पास आया, मैंने कहा एक बात कहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। मैं कहा तेरी औरत रोती रहती थी, हो सकता किसी वक्त वो रोती हो, तुमने उसको मनाया हो, उस वक्त हमें ठहर गया हो, शादी स्वास्थ्य रोती हो, अभी ये बात नहीं। अच्छा, अगर ये बात नहीं है तो जिसने उसको पहले हाथ लगाया वो रोता हो, उनका मैं ज्ञात करूं। बात क्या थी, वो तो हम दफ्तर चले जाते थे, एक उन्होंने दाई रखी हुई थी जो आया करती थी, वो मुसलमानी थी। जिस वक्त लड़की पैदा हुई उसी वक्त उन्होंने आदमी भेजा, उस दाई का भाई मरा हुआ था, दो दिन हुए जवान भाई, वो स्वापे बैठी हुई थी, रो रही थी, पिट रही थी। तो जिस वक्त दाई गई उसको आना तो था, पैसे का रोजगार था, वो आई, उसने उस लड़की को हाथ लगाया, इसलिए रोई। ये दुनिया जितनी है किसी कारण से कारण होता है, बगैर सबब के कोई कारण नहीं होता। आदमी में मरना तो होता है, मगर उसके मरने का कोई कारण बन जाता। तो ये जो जितनी बातें हैं ये गुरु विष्णु है। इस वाक्य गुरु की महिमा अजब है। तुमको सिर्फ ये समझो, बाबा फकीर गुरु, ज्ञान दास गुरु, कृष्ण गुरु, लाया गुरु, ये तुम्हारा बेड़ा पार नहीं कर सकते गृहस्थ का, जब तक इनकी बात को तुम समझ के अमल नहीं करोगे। क्या कहा मैंने आप लोगों को, अगर आंखें रखती हो, मेरी उम्र 81 साल की है, बुरा पहुंचता हूं तो ठीक है चले, अगर आप सुन करके इस कान निकालते हो तो आने का आपका क्या फायदा, जैसे आए जैसे ना आए, सभी आए सदगुरु आगे, दर्श न पकड़ा बचन न लागे, कहो अच्छा संग से क्या फल पाया, वक्त गया और जन्म गवाया। आज एक महाशा आए थे बड़े सुजागर, यहाँ आए थे, उनको बहुत शिकायत थी राजा स्वामी मत के बरखराब बोलते, मगर थे बीमार। ये बीमारी क्यों आती, हमारे ख्याल शुद्ध नहीं होते। जो आदमी किसी से नफरत करता है, घृणा करता है, किसी की निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, बुरा बिरा बदा, उसके मन की हालत बदलती है, और मन की हालत के बदलने के साथ उसके शरीर के जो परमाणु हैं ये भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं। तुम देखो एक आदमी बैठा हुआ यही झूठ उसको कह दो, तेरा तार आए, तेरा पेड़ मर गया या लड़का मर गया, जिस वक्त सुनेगा उसका रंग सारा सजा दे जाएगा। तो ख्याल में ये ताकत है कि उसका सारा जिस्म का जो खून है सब बदल करके पूरा पड़ जाएगा, क्यों पड़ेगा, खुशी से। अगर ख्याल से ये ताकत है तो जो रोज हर वक्त निंदा चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, वो सुखी नहीं है। सबक निकालो, मत दोष पलाए अवगुण। वो आज आया नहीं, अगर आता तो मैं बड़ा खुश नसीब होता।
उसको बताता तेरी बीमारी का कारण क्या है, तेरी बीमारी का कारण क्या है, कारण मेरी स्त्री में मेल फेल ज्यादा थी, कोई देर में बात कही छोटी उम्र की, वो दिमाग से नहीं भूलती थी, कुछ देख ने कहा वो दिमाग से नहीं भूलती थी, कुछ मैंने कहा वो दिमाग से नहीं भूलती थी, तो मैं उसको हंसा करता था, मगर भागवती तेरे में द्वेष है, तू तकलीफ उठाएगी। साढ़े सात साल बीमार रही, चार पाल पर पड़ी रही, क्या कहा मैंने, तुम मस्ती और से आई हो, आदमी हो, तुमको बता देता हूँ इस माया देश में जो कुछ है तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा संकल्प है। तुम अगर दूसरों की निंदा करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, द्वेष रखोगे, गैरियत रखोगे, हेरा फेरी करते रहोगे, तो रोज रोज के ख्याल का असर तुम्हारी बीमारी की शक्ल में तब आएगा, बच नहीं सकता, खास किसी किस्म की बीमारी से। इस वास्ते गुरु विष्णु क्या है, किसी के ऐब मत देखो, किसी के ऐब मत देखो, लोगों के ऐब देखता रहता है वो अपने दिल को गंदा करता है, और उसकी दिल की गंदगी जो है उसके शरीर पर असर करके उसको बीमारी लाती है। मेरा अपना तजुर्बा है, घर का तजुर्बा है। अब राजा स्वामी जाय का बात क्या कहते हैं, मत देख पराए अगन क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, मत देख पराए अगन क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन, पर देव सतावे खिन खिन छोड़े अपने अगन गिन गिन, पर देव सतावे खिन खिन छोड़े अपने अगन गिन गिन, मखे सम मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तो छिन छिन, मखे सम मत कर भिन भिन नहीं खावे चोट तो छिन छिन। मक्खी होती है ना रयानत पर बैठती है, वहां से उठती है जहां जहां खाने पर बैठेगी सबको बीमार करेगी, दाता दाल सुनाया करते थे कि शहद की मक्खी बन, शहद की मक्खी फूल पे बैठती है, शहद चुन लेती है, फूल को गंदा नहीं करती, दूसरी मक्खी है जो दूसरों के ऐप गिनती रहती है, हराजन खाती है, जहां जहां बैठती है वहां बीमारी लाती है। आगे देखा कर सबके तो गुण मैं कहूँ तो हे अब पुन पुन, देखा कर सबके तो गुण सुख मिले बहुत तो है पुन पुन। मैंने जब नाम लिया था, लोग तो कहते हैं शराब छोड़ो मांस छोड़ो, मुझको गुरु ने ये नहीं कहा, क्योंकि मैं शराब मांस पहले नहीं खाता था, मुझको ये बताया था चार वैकेंसी थी, पहली बात अपनी रोजी आप कमा के खाओ, एक
किसी के प्राइवेट हालात मत ग्रास करो, अगर मालूम हो जाए तो किसी के सामने बात मत करो, दूसरों की चिट्ठी आती है प्राइवेट वो तुम मत पढ़ा करो, ये हुक्म दिया था। एक हुक्म और था, मजहब के मुताबिक किसी के साथ बहस मत करो, अगर कोई जिज्ञासु बन के आगे पूछता है उतनी बात बताओ जिसको तुम जानते हो। हम लोग जितनी बातें बताते हैं या गीता का हवाला देते हैं या रामायण का हवाला देते हैं या कुरान शरीफ का हवाला देते हैं या वेदों का हवाला देते हैं या राजा स्वामी मत की किताबों का हवाला देते हैं या कबीर का हवाला देते हैं, मैंने तो 35 साल हो गए सर कभी मैंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया, वो अपना तजर्बा है वो कहता हूँ। अपनी औरत का हाल तुमको बताया मैंने, लड़की का भी बताया, उसका भी बताया, बड़ी लड़की का भी बताया, अपने लड़के का भी बताया। तो जैसे माँ बाप के अपने ख्याल हैं वैसे उस लड़के पर जाते हैं, तो हमारे घरों का ज्यादा दुख क्या है, क्यों हमारे घरों में अशांति है, हम एक दूसरे की नुक्ता क्यों नहीं करते रहते। औरत को खावन के स्वभाव से दुख है, खावन को औरत के स्वभाव से दुख है, भाई को भाई के स्वभाव से दुख है, ये क्यों दुख है? उसका नतीजा हम बोलते हैं आगे कहो। अब देखो ये जितने हमारी घर की अशांति है उसका मेन कारण क्या है, हम क्रिटिसाइज करते हैं, घरों में होते हैं, सब होते हैं, खाते हैं, औरत भी खाती है, बच्चे भी खाते हैं, अगर ऐसा मौका हो तो उसी वक्त आंधी सपाट न्याय पर डर है मारो, लड़कियां सब खाते हैं, मैं भी खाता हूं, तुम भी, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद प्रेम से बात को समझाओ कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है भाई। अगर उसी वक्त तुम मुक्ता की नहीं करोगे, तुम एक कहोगे वो 2 खिलाएंगी, औरत ने नमक डाल दिया ज्यादा, अब तुम उसके गल पड़ गए, एक दिन सुनेगी वो तुम्हारी, 2 दिन सुनेगी, 14 दिन कह रही भाई मेरे को क्या हो गया, बंदा तेरी मर्जी है, अंदर जो पसरा ब्याह गया। घर घर में यही लिखा होता है, मैं गृहस्थी हूं मैं जानता हूं, तभी तो मैं कहता हूं कि गृहस्थी का गुरु कोई गृहस्थी होना चाहिए, ये सन्यासी जो है इनको क्या पता गृहस्थियों के क्या दुखड़े होते हैं। ना, मैं आपको गृहस्थ का जीवन बता रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु की तरीका बता रहा हूँ कि गुरु ब्रह्मा क्यों है, तो तुम ब्रह्मा की मुद्रा के तन गुरु ब्रह्मा गुरु करते रहो तुम्हें क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। मेरे नाम का ठोरा कराते रहो बाबा फकीर कर जाओगे ना, बिल्कुल झूठी बात। तो विष्णु महाराज तुम्हारी जठलग्नि में रहता है, उसकी पूजा करो। पूजा करने के मैं क्या मैंने, अपने कुएं के हाजमा का ख्याल रखो, इतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर सको, फिर तुम्हारी अच्छी रहेगी, खुश रहा करो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं एक ही साधन का हूं, ये नहीं कि मुझे कोई तकलीफ होती है, मगर मैं अपने मुकाबले जो मेरे साथ है उनसे 1000 भी अच्छा गिरता मैं भी रहा हूँ, अब भी गिरता हूँ, झूठ नहीं बोलता तुम्हारे सामने यू आर एन ह्यूमन, मगर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये बात अपनी जिंदगी को बनाओ। हमारे दुखे जितने हैं वो इस बात से हैं कि हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को नहीं पूजते। तुम तो पूजने के लिए ये समझते हो कि विष्णु महाराज का मंदिर बना दिया और मत्था टेक दिया, बस मंदिर बनाने से मानव का मंदिर बनाने से कृष्ण महाराज का मंदिर बनाने से सिराय खोलने से अगर तुम ये चाहो
कि तुम्हारा अलगाव खत्म हो जाए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? जब तुम मंदिर बनाते हो तो क्या होता है? कुछ तो तुमको नोक लाज होती है, दुनिया में मशहूर हो जाओ इसने इतना मंदिर बनाया। तुम्हारी इसरा तुम्हारी, ये मैं क्यों कहता हूं, मैं गया अलीगढ़, वहां मुंशीलाल का एक भाई है छक्कनलाल, उसकी सारी है एक बड़े करोड़पति आदमी से ब्याही हुई। पिछली दफा 5-10 साल वो जब मैं गया था, उसने एक सराय बनवाई है, कम से कम 8-9 लाख रुपया उसने खर्च किया, मैं भी उद्घाटन पर गया था। अब जब मैं गया तो उसको अस्पताल में पड़ा देखा, चोट लगी हुई थी जहां से बेहोश था, नाक के रस्ते गुरुपोष दिया जा रहा था। ख्याल आया ये इतना दानी पुरुष था, माना हुआ है, इसके दानी की कोई मदद नहीं। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो दान इस ख्याल से देते हैं कि हमको इसका फल मिले, फल उसको मिलेगा, उस फल को भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मगर तुम्हारे जो पिछले कर्म किए हुए वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तजर्बा है मेरी जिंदगी का, मैंने मिसाल आपको दे दी। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का क्या मतलब है? अपने ख्यालात को शुद्ध रखो, औलाद को औलाद के लिए पैदा करो, फिर लड़कों को ख्याल अच्छा दो, कभी मारा ख्याल ना दो, तू नालायक है, तू बुरा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फिटकारो ज्यादा नहीं। अगर तुम फिटकारते रहोगे तुम्हारे ख्याल की धार उसको बुरा बना देगी। मैं चाहता हूं गंगा बह रही है, पी जाओ पानी, पानी नहीं पीते हाथ मुंह ही धो लो, हाथ मुंह नहीं धोते तो कम से कम दरिया के किनारे ही 1-2 मील चल पड़ो ताकि तुमको गंगा की ठंडक मिल जाए। क्या कह रहा हूं आप लोगों को, तो जिंदगी के गुजारने का ये राज है जो मैं बता रहा हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। और महेश्वरा क्या है? शिवजी का काम है श्रृंगार करना, जो उपदेश हो बिल से, जो उपजता है, जो चीज पैदा होती है वो नाश को प्राप्त होती है। जब नाश होने का समय आ जाए तो ये ज्ञान कहके भाई ये तो जो पैदा हुआ था वो जाएगा, इस ज्ञान से शांति को हासिल करो। यहां किसी चीज को फिर नहीं, आज एक रखपति आकर को कंगाल हो जाएगा, आज तुम जवान होकर को बीमार हो जाओगे। ये संसार त्रिगुणात्मक जगत है, द्वंद की रचना है, यहां जीवन एक रस नहीं रहता। हर एक जीव अपना अपना कर्म भोगने के लिए इस संसार में आता, किसी को औरत अच्छी मिल जाती है, किसी को बुरी मिल जाती है, किसी को खावन अच्छा मिल जाता है, किसी को बुरा मिल जाता है, किसी को लड़का लायक मिल जाता है। ये है क्या? कर्म का फल। ऐसा समझ करके जब ऐसा वाक्या को दुख का है, उस वक्त गुरु महेश्वर से मदद लो। ये समझते कि ये संसार ऐसा है, लोग चलता है, चल उससे तुमको शांति रहेगी। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव के साधन से क्या होगा? तुम्हारा ये गृहस्थ का जीवन सुख और शांति से गुजरेगा, लोक में तुमको सुख मिलेगा। और अगर भाई परलोक का भी सुख चाहते हो